नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और इस समय मैं हूं मथुरा में। दोस्तों आज मैं आपको उस स्थान को दिखाऊंगा जिसका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको उस स्थान को दिखाने के लिए लेके आ चुका हूं जो कंस का टीला है, कंस का अखाड़ा कहा जाता है। तो आज वो स्थान कैसा है और किस स्थिति में मौजूद है, भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया था, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस समय मैं होली गेट वाले रोड पे खड़ा हूँ। जैसे ही आप होली गेट से रंगेश्वर महादेव मंदिर की तरफ आएंगे तो रास्ते के बीच में ही आपको ये शनिदेव मंदिर का स्थान आपको दिखाई देगा। इस शनिदेव मंदिर के जस्ट पास में ही ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहीं पर कंस का जो अखाड़ा है वो बना हुआ है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस अखाड़े को दिखाने के लिए, उस स्थान को दिखाने के लिए। तो दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ उस स्थान पे। सामने की साइड में आप देख सकते हैं ये वही किला है, वही अखाड़ा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया था। तो अभी देख सकते हैं ये किस स्थिति में मौजूद है, कितना छोटा है अभी, और उस टाइम पे काफ़ी बहुत ही बड़ा था। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वही जगह है, यही कंस का वह किला हुआ करता था, कंस का अखाड़ा हुआ करता था। ये जो ज़मीन है ये होली गेट से जब आप बस स्टैंड की तरफ आएंगे तो उस स्थान पर मौजूद है, और इसके पास में ही रंगेश्वर महादेव का मंदिर है, तो उस स्थान के पास में ही ये अखाड़ा मौजूद है। अगर आप रंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी जो आप देख सकते हैं इस अखाड़े को, बलराम ये कृष्ण जी के मूर्ति है और वो बलराम जी एक कंस मामा कंस बाबा। तो यहीं पर मामा कृष्ण जी ने मामा कंस का वध वो जिस तरह से कंस ने पकड़ा था छोटी पकड़ के जी, वही तरह भगवान ने कंस को छोटी पकड़ के मारा। अच्छा ये कंस का खाया सब लोग अच्छा लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ दोनों भाइयों ने मारा है तो कहा रंग है रंग है रंग है जी। उन्होंने भोलेनाथ को दूर रंग ना थी जी, उन्होंने कहा दोनों भाइयों ने मिल के मारा। तो ये किला है पुराना भूमि का दर्शन है सर। अच्छा प्राचीन भूमि का दर्शन। तो दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस के बाल को पकड़कर उनको मारा था, वध किया था। तो ये स्तंभ इनकी मूर्ति है और इनके जस्ट सामने ही वो टीला बना हुआ है।